नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीबीसी की एक ये रेनोवो आरजीबी एलईडी का की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसके फ्रंट में एक कलर चेंजिंग आरजीबी एलईडी लगी हुई है। इसके अंदर इसके फ्रंट में आपका डीवीडी एडिटर का ऑप्शन नहीं है और बहुत ही बढ़िया फ्रंट का डिज़ाइन दिया गया है। यूएसबी वगैरह भी इसमें फ्रंट में ही है और इसके अंदर आपका कलर चेंजिंग का भी ऑप्शन है। अब जिस तरीके से चाहे इसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है आपका 1613B। ये आपकी कैबिनेट है, आरजीबी एलईडी में है। जितने भी आप लोग आरजीबी लवर्स हैं, ये आरजीबी कैबिनेट उन्हीं के लिए ही है और ये आपका बजट गेमिंग पीसी के लिए बेस्ट है। बाकी की जो इसकी डिटेल्स हैं वो आपको मैं अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताऊंगा। तो अब हम इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग करेंगे। देखते हैं कि जब आप इस कैबिनेट को बाय करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों करेंगे। तो ये जो कैबिनेट है बीबीसी की लॉन्च की हुई नई कैबिनेट में से एक है। इसके अंदर आपको फ्रंट में एक आरजीबी एलईडी मिलती है, आरजीबी स्ट्रिप लगी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये आरजीबी स्ट्रिप लगी हुई है। ये सामने अगर आप देख पा रहे हैं, ये आरजीबी स्ट्रिप इसके सामने लगी हुई है फ्रंट में। इसमें डीवीडी राइटर का ऑप्शन नहीं है और फ्रंट में इसके यूएसबी दिए गए हैं, 1.3.0, 2.0 और आपके हेडफोन और माइक के लिए जैक दिया गया है। और अगर हम इसकी फिनिशिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी गुड फिनिशिंग है आपकी। क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन है, वेट भी अच्छा है। हम टॉप पैनल की अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि पावर का बटन इसके अंदर दिया गया है ऑन ऑफ के लिए। ये आपका रिस्टार्ट का बटन है और ये आपका एलईडी का बटन है। इससे आप अपने कैबिनेट के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आरजीबी स्ट्रिप इसमें लगी हुई है तो इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर जो पैटर्न चाहते हैं जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल है, या फिर आप इसके 1, 2, 3 mm रेड, ब्लू या कोई आप पर्टिकुलर कलर चाहते हैं तो आप इस बटन के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसके साइड पैनल की बात करें तो आप साइड पैनल देख सकते हैं, हाफ विंडो इसमें साइड पैनल दिया गया है, जो कि ये गेमर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी हमने कैबिनेट ओपन कर ली है। सबसे पहले हम केबल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं केबल्स की क्वालिटी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बीबीसी ने इस बार अपनी केबल्स क्वालिटी सुधार दी है। और ये आपका एक साटा कनेक्टर का जैक दिया गया है, जिसको आप अपनी पावर सप्लाई में कनेक्ट करने के बाद आरजीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। आरजीबी में पावर के लिए साटा मेल कनेक्टर दिया गया है, जिसको आप अपनी पावर सप्लाई के साटा कनेक्टर में लगाएंगे तो आरजीबी स्ट्रिप आपकी वर्किंग हो जाएगी। और अगर हम स्क्रूज की बात करें तो ये आपके स्क्रूज के अंदर दिए गए हैं, वही ब्लैक माउंटेड स्क्रू दिए गए हैं और ये आपके बेस के लिए गोल्डन स्क्रू दिए गए हैं। इसके अंदर आपके ब्लैक माउंटेड स्क्रू हैं, स्क्रू की क्वालिटी भी बेहतरीन की गई है इस बार। अब हम बात करें अगर इसके अंदर मदरबोर्ड के साइज की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मदरबोर्ड का साइज है। इसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक मदरबोर्ड का साइज इसमें कवर होता है। इसके अंदर ATX, MATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX मदरबोर्ड तक फिट कर सकते हैं। PSU के लिए इसमें टॉप में स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप PSU इंस्टॉल कर सकते हैं। PSU के लिए साइज भी बहुत अच्छा दिया गया है, इसमें आप काफ़ी बड़ा PSU तक इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके अंदर अगर हार्ड डिस्क के लिए, तो आप यहाँ पे 2 SSD या 2.5 इंच की हार्ड डिस्क यहाँ पे दो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम 3.5 के लिए बात करें तो 3.5 हार्ड डिस्क के लिए इसके अंदर मैं आपको फ्रंट पैनल खोल के दिखाऊंगा, डीवीडी एडिटर की इस जगह पे इसमें स्पेस दिया गया है। तो
तो इसके लिए मैं आपको फ्रंट पैनल खोल ही देता हूँ। ये आप देख सकते होंगे तो ये पूरी की पूरी आपकी आरजीबी स्ट्रिप इसमें लगाई गई है। ये आपका यहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी इंस्टॉल किया गया है जो कि आपके आरजीबी स्ट्रिप को कंट्रोल करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें 3.5 इंच के लिए स्पेस कहाँ पे दिया गया है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका ये स्पेस दिया गया है, ये 3.5 इंच हार्ड डिस्क के लिए ही दिया गया है। यहाँ पे आप अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक एक 3.5 इंच हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो इसके अंदर आप दो SSD, यहाँ पे दो SSD और एक 3.5 इंच हार्ड डिस्क टॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। टोटल आप इसके अंदर 3 हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम फैन की बात करें तो इसमें फैन का स्पेस भी अच्छा दिया गया है। आप दो 120mm के फैन फ्रंट में और एक आप रेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर रेयर में इंस्टॉल करने के लिए स्पेस दिया गया, आप एक रेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर 7 आपके एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं। आप अपना बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक कार्ड अपना बड़े से बड़ा या कोई आपका एक्स्ट्रा स्लॉट है या एक्स्ट्रा कार्ड है वो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं मदरबोर्ड के अंदर। तो ये इस कैबिनेट के अनबॉक्सिंग और रिव्यू था। अगर आप बजट गेमर हैं, बजट में अपनी कैबिनेट देख रहे हैं और RGB भी आपको चाहिए तो ये कैबिनेट आप ही के लिए है। और अगर आप थोड़ा हाई एंड में देख रहे हैं तो BBC के और मॉडल्स भी हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। RGB में भी बड़े मॉडल्स हैं। और अगर आप अपने लिए RGB चाहते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करना चाहते तो BBC का ये मॉडल आप ही के लिए है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, BBC के हर तरीके के मॉडल्स हैं, हर वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप जिस तरीके से अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये जो कैबिनेट के बारे में मैंने आपको बताया, सारी डिटेल्स बताई, कुछ अगर है क्या और मैं से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें। और वीडियो के एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।